आइए आप सभी लोगों के सामने आज एक ऐसा इफेक्ट पेश कर रहा हूँ, टेलीविजन इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय स्लेटर रोल। हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। कोई आइटम है, उस आइटम में वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना अनुभव करेगा, इसका कैलकुलेशन आपके सामने करना है। और ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने स्लेटर रूल के द्वारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये चिल्ड्रन इफेक्ट की हम बात करते हैं फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम। जब हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम और स्पेसिस इसमें हम किसी भी एटम या किसी भी आयन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके सामने क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे ले लिया हाइड्रोजन एटम नंबर वन है, हीलियम की बात हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बाद हम बात कर रहे हैं हीलियम की। यहां पर चार्ज लगा दिया तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वन। हीलियम के बाद हम बात कर रहे हैं लिथियम की, लिथियम पर भी आपका चार्ज लगा दिया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेरिलियम की, इस पर भी चार्ज लगा दिया। तो ये सभी लोग जो मैंने आप लोगों के सामने लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वन है। अब आपके सामने हम देखना चाहते हैं कि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लेटर रूल की सहायता से किस तरह से निकालेंगे। पहले आप समझे ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद ये सेल है और इस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वन है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या वन है। अब आप देखना चाह रहे हैं तो आप देखिएगा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और ये सेल है, सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। तो ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने के नाते इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा। जब अट्रैक्शन पैदा होगा, दूसरा यहां कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण पैदा होता। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल एक है तो इसका मतलब है यहां पर कोई भी प्रतिकर्षण नहीं होगा। अगर प्रतिकर्षण नहीं होगा तो इसका मतलब है कंडीशन में जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आपकी क्या होगी, जीरो। तब हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहे हैं या आयन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में किसी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण नहीं है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है। तो आगे देखता हूं, आगे देखिए, अगर आपने मेरी बात को समझा तो आगे क्या है, आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए स्लेटर का रूल क्या है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये रूल आपका। जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
सत्य मनुख दस्या। फिर हम बात करते जेड की, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते सिग्मा की, सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो आप लोगों ने देख लिया क्रेटर का जो रूल है किसी भी आयतन या किसी भी आयन का है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये सेल है, इस सेल में मान लिया ये इलेक्ट्रॉन्स है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने लिया है, तो इसका मतलब है इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मैंने अभी आपसे कहा था स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? मोनो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब हम इस कंडीशन में बात करते हैं तो जो सिग्मा है वो आपका क्या होगा? जीरो होगा। अभी वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में पुट करिए तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जेड इफेक्टिव बराबर जेड। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तब उस समय जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उसके एटॉमिक नंबर के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे सपोज दैट मैंने अभी आपसे कहा था कि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जी। अब यहां पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड एटॉमिक नंबर वन है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना? जीरो है, तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? वन। तो आप लोगों ने देखा कि अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उसके एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगा, चाहे मैंने हाइड्रोजन लिया होता या लिथियम आयन लिया होता, या लिथियम की जगह पर मैंने मान लिया बेरिलियम आयन लिया होता, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 आयन ले लिया मैंने यानी प्लस 2 बचा करा दिया, अब आपका क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम की बात करता हूं प्लस 3 का चार्ज लगा दिया, हीलियम की बात करता हूं तो हीलियम को मैंने प्लस 1 का चार्ज। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं इस समय इनके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, और उस कंडीशन में ये वैल्यू आपकी आएगी यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके एटॉमिक नंबर के ही क्या होगी? बराबर होगी। अब हम दूसरी कंडीशन में चल रहा, दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर बाय इलेक्ट्रॉनिक आइटम ओआर स्पेसिफिक्स। अब बाय इलेक्ट्रॉनिक को डाई भी लिखा जा सकता है, डाई इलेक्ट्रॉनिक
मेरे कहने का मतलब है, अब मैं आपके सामने ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, और 2 का एग्जाम्पल जैसे मान ले लिया हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर मैंने हीलियम लिया तो हीलियम में आपको इलेक्ट्रॉन 2 दिखाई पड़ रहा है, अगर 2 दिखाई पड़ रहा है तो आपने देखा ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये सेल है, ये आपकी सेल है, इस सेल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी क्या नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगा। इस वजह से यहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो मैंने आपके सामने पहले बताया था कि अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी, यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण पैदा होगा, यानी यहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर 1s का इलेक्ट्रॉन है तो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए तो सिग्मा की वैल्यू होती है 0.30। जब हम 1s इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, अगर आपका 1s इलेक्ट्रॉन है तो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.30। अब आइए, अगर आप देख रहे हैं तो आगे देखिए कि मैं आपको कैसे कैलकुलेट करूंगा इसका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की बात कर रहा हूं, तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये फार्मूला मैंने आपको बताया। अब आपको पता होगा कि हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो जेड की जगह मैंने 2 लिया, माइनस आपके सामने सिग्मा है, अभी मैंने कहा था कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.30, तो जेड जो आपका होगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, 1.70। आपका किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, हीलियम का। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 होगी, जैसे हीलियम की बात हम बात करते हैं, जैसे लिथियम ले लिया एटॉमिक नंबर 3 है, इस पर +1 का चार्ज लगा दिया, बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, माने क्या किया, +2 का चार्ज लगा दिया। तो ये लोग ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितनी है, 2 है। हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। आप सभी लोगों को अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो सभी लोग मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को फॉरवर्ड भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये जो मैंने स्लेटर रूल के द्वारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया है ये केवल 2 लोगों का बताया है। आपके सामने मोनो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में बात किया है, या आयन के बारे में बात किया है, या डाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या आयन के लिए बात किया है। अब इसका दूसरा पार्ट आपको देखना है, दूसरा पार्ट आपके सामने क्या है, स्लेटर रूल हम आपके सामने देंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या आयन। अगर आपको मल्टी इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आयन दिए जाएंगे तो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को देखते रहिए और आगे लोगों को बढ़ाते रहिए। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।